आशीष और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। शिवपाल सिंह यादव भले ही राष्ट्रीय महासचिव बन गए हैं, लेकिन अब क्या देखा जाए तो कुछ खबरें ये सामने आई थी कि ना तो उनके यहाँ पर समर्थकों को कोई जिम्मेदारी दी गई है, ना उनके परिवार के लोगों को। तो आखिरकार अखिलेश यादव चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, ये बात यहाँ पर बन रही थी। लेकिन अगर इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर सामने आई, जब कहा जा रहा है कि अब राष्ट्रीय महासचिव बनाने के बाद शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश यादव यहाँ पर एक बड़ा और खास तोहफा दे सकते हैं। वो तोहफा क्या है, उसके बारे में यहाँ पर एक बड़ी जानकारी भी सामने आई है। तो शुरुआत करती हूँ इस खास खबर की कि मैनपुरी उपचुनाव के बाद शिवपाल सिंह यादव की पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हो गया था, और इसके बाद अखिलेश यादव ने देखा जाए अब चाचा शिवपाल को सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह भी दी। लेकिन एक बार फिर शिवपाल यादव को तोहफा देने की तैयारी में जुट चुके हैं उनके भतीजे अखिलेश यादव। दरअसल देखा जाए सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। और लेकिन इसके अलावा शिवपाल यादव के अन्य किसी करीबी को कार्यकारिणी में जगह नहीं दी गई, जिसकी वजह से नाराजगी देखने को मिल रही है। जबकि शिवपाल यादव के साथ पार्टी छोड़कर जाने वालों को भी 64 सदस्यों को जगह नहीं मिली, जिसके बाद अब फिर से इनकी भरपाई करने की तैयारी शुरू हो गई। अब सूत्रों के अनुसार सपा की प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान बुधवार तक होने की संभावना है। इसमें शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव को भी जगह दी जा सकती है। इसके अलावा और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए शिवपाल यादव की कुछ करीबियों को शामिल किया जा सकता है। प्रदेश कार्यकारिणी में भी यादव और मुस्लिम नेताओं को प्रमुखता दी जाएगी, ये संभव माना जा रहा है। और सूत्रों के मुताबिक इस बार प्रदेश कार्यकारिणी भी पिछली बार से बड़ी होगी, ये बात साफ तौर पर कही गई है। हालांकि सूची में परिवार से केवल आदित्य यादव को जगह मिलने की संभावना है, क्योंकि पार्टी में परिवार से 6 लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई। इनमें अखिलेश यादव के अलावा प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और तेज प्रताप यादव को जगह मिली है। रामगोपाल यादव को राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। वही धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और तेज प्रताप यादव कार्यकारिणी के सदस्य हैं। बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले कहीं ना कहीं 55 सदस्य थे, जबकि इस बार 64 सदस्यों को जगह मिली है। लेकिन अब इस बात में तोहफा तो यही नजर आया है कि शायद शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव को जगह मिल सकती है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ बात है, ये तो बुधवार यानी कि कल ही पता चल पाएगी। अब आपका क्या कहना है इस खबर को सुनके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।